आपका नाम जानना चाहता हूँ, किस गांव के निवासी हैं आप? सर मेरा नाम बलराम सिंह कुशवाहा है, मैं ग्राम सभा भदौरा के निवासी हूँ, स्थानीय निवासी हूँ। आपकी तालीम कहाँ तक हुई है, शिक्षा जो है? मेरी तालीम तो इंटर तक है। आइए, लेकिन आज के जमाने का एमए के बराबर है, क्योंकि उसकी पढ़ाई होती थी, पढ़ता था। आज तो ऐसा अनुशासन था, अनुशासन खत्म हो गया है। शिक्षा प्रणाली अच्छी थी, अनुशासन ही खत्म हो गया है। आज देश से अनुशासन ही खत्म हो गया है, ये सब मैं महसूस कर रहा हूँ। कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, इंटरनेट की बात ही कही जा रही है, इंटरनेट चल नहीं रहा है। ऐसे हालात में आप महसूस कर रहे हैं कि कर रहे हैं आप? नहीं, कुछ तो है कि हो रहा है गलत, लेकिन ऐसा सरकार प्रयत्न करे ऐसी गलत हमलों को रोका जाए, कि जनता को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, शिक्षा प्रणाली हो, चाहे कोई विकास योजना है, गरीब तक पहुँचे। यही लोकतंत्र की परिभाषा है, शास्त्र भी यही लेकर आए थे, और जो बड़े बड़े हमारे सहाय नेता थे, सपना यही था, जो कि अंग्रेजों के समय में क्रांतिकारी लड़े थे, लेकिन आज उसकी धरती पर। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ जीचा जी आपसे, कि इस वक्त हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में इस वक्त दो जेल में हत्याएं हो चुकी हैं। इन हत्याओं के विषय एक आम नागरिक होते हुए आप क्या महसूस कर रहे हैं, कि क्या इस तरह की जेल में जब हत्या होगी तो लोगों का अविश्वास पैदा होगा? जो बात सही है कि जेल सुरक्षा के लिए बनाया गया है, अपराध सिद्ध करना अदालत जी, इसलिए हम अपराधी हैं नहीं है तो काम अदालत करेगी, साबित करेगी चार्जशीट के हिसाब से। जेल में इसलिए डाला जाता है कि मुजरिम हो या न मुजरिम हो, उसकी सुरक्षा दिया जाए, उसको पेश किया जाए, अपनी सफाई दे। लेकिन जो जेल में हत्याएं हो रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए, ये निंदनीय चीज है। अब हत्याएं कैसी होती है, क्यों होती है, क्या साजिश है, अब इसके बारे में हम भी कुछ कह सकते नहीं कह सकता, इसी चीज का उनको भी बिल्कुल नहीं है। यानी जो हत्याएं हो रही हैं, इसका आम नागरिकों को विरोध करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रशासन तो फेल है ना। जब जहाँ पर मुझे बंदी गृह में रखा जा रहा है, ठीक है, कोई गलती करके गया हो, या हो सकता है किसी पर गलत चार्ज लगा के अंदर किया गया होगा, हाँ, कोर्ट उसका फैसला करेगा वो तो। अगर वहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं रह रहे हैं, जहाँ प्रशासन चारों तरफ लगी हुई है, तो फिर मैं और लोग सुरक्षा की बात ही कहाँ से कर सकता हूँ, और लोग कहाँ से मैं आशा कर सकता हूँ और लोग सुरक्षित रहेंगे? तो क्या भारत पूछ रहा है, मैं कह रहा हूँ, क्या भारत पूछ रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में न्याय कमजोर हो चुका है? देखिए, हमारी सरकार ने बहुत अच्छी पहल की थी, लेकिन कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है इसमें। सरकार ने आने से पहले बहुत सारी वादा किया था कि मुझे बहुत कुछ करना, प्रशासन सुधार करना है, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप पुलिस डिपार्टमेंट के लिस्ट उठा कर देख लीजिए, मैक्सिमम जगह ब्राह्मण राजपूत यही लोग दरोगा बन के जाते हैं, यही जाते हैं, और ये सबसे बड़ा हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा कमजोरी है। वो भी लोग जातिवाद अपना देखते हैं, ये सबसे बड़ा कमजोरी है। और जो दबे कुछ लोग हैं, वो डर के मारे अपनी बातों को प्रशासन के सामने रख पाते हैं, जो कि एकदम गलत है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन जनता के सहयोगी होती है, ना कि उनके ऊपर धौस जमाकर उनके शासक नहीं है। आप सहयोगी उनके, आप उनके सहयोग कीजिए, रक्षक है, भक्षक नहीं है। आज के दौर में देखने को मिल रहा है कि वाकई में प्रशासन अपना लोगों के ऊपर धौस जमा रही है, जो कि हाँ, कोरोना काल में प्रशासन ने बहुत ही बढ़िया किया है, और कोरोना से लोगों को बचाने के लिए मैं इसके लिए प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ, तारीफ करता हूँ।